see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and... हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अभी जैसे कि मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम सभी के लिए बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, स्पेशली जो होम मेकर है उनको अपने किड्स को भी देखना, घर को भी देखना, और मुझे सारा कुछ ही अभी खुद से ही देखना पड़ता है क्योंकि मेरे मिस्टर अभी है जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में है जॉब के लिए, तो मुझे घर पूरा संभालना पड़ता है, साथ में बच्चे को भी और बाहर का काम सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। तो अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो किड्स लंच बॉक्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड रोल्स। तो फ्रेंड्स ये मैं तैयार करने वाली हूँ ब्रेड रोल्स के लिए स्टफिंग। तो रात में ही मैंने आलू को बॉईल करके रख लिया था अच्छे से छील कर, और इसे मैं मैश कर लूँगी। साथ में मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि मैंने इसमें प्याज ऐड किया है, हरी मिर्च, धनिया पत्ता ऐड किया है, लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, धनिया पाउडर, और साथ में गर्म मसाला थोड़ा सा ऐड किया है नमक स्वाद अनुसार, और मैंने इसमें थोड़ा सा जो आमचूर पाउडर ऐड किया है, आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ, अच्छे से मैश कर लिया, बिल्कुल स्टफिंग बनकर तैयार है। और जो साइड के कॉर्नर्स है फ्रेंड्स, उसे हमें रिमूव कर देना होता है जो ब्रेड के। तो फ्रेंड्स ये सैंडविच ब्रेड है, तो काफ़ी बड़ा ब्रेड होता है, जो छोटे साइज़ के ब्रेड होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सैंडविच ब्रेड लिया था एक्चुअली जो पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए। तो इसे मैं करती हूँ, थोड़ा सा डिप कर लेती हूँ पानी में और इसे अच्छे से निचोड़ के बीच में इस तरह से आलू की फिलिंग ऐड कर लेती हूँ, और सब जगह से बिल्कुल इसे पैक कर देती हूँ ताकि आलू की स्टफिंग बिल्कुल भी ना निकले, जितना हो सके पानी को स्क्वीज़ कर देती हूँ। तो ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गरम कर लेना है तभी आपको डालना है, वरना स्टिक करेगा आपके पैन में। तो मैंने ऑयल को अच्छे से गरम करके फिर इसे मीडियम टू स्लो कर दिया है, और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। परफेक्ट रेसिपी है फ्रेंड्स इवनिंग स्नैक्स के लिए, साथ में किड्स लंच बॉक्स, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगता है जब आप इसे गरम गरम खाएंगे, बट थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा नरम हो जाता है, बट इसके टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे क्रिस्पी आप खाओगे तो इसका अलग टेस्ट होगा, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जब नरम जाता है तब भी इसका जो टेस्ट होता है ऑसम लगता है। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो, आप किस तरह से बनाते हो मुझे बता सकते हो। इसकी फिलिंग में जैसे मैंने आलू भरा है, आप इसमें चाहे तो पनीर ऐड कर सकते हो, चीज़ ऐड कर सकते हो अपने पसंद का, मटर, कॉर्न, जो भी स्टफिंग में कर सकते हैं आलू के साथ भी मिक्स करके, या सिंपल चीज़ में खूब सारा प्याज ऐड करके, पेपर पाउडर, ये सारा कुछ डालकर। और हाँ, मैंने आलू के मसाले में थोड़ा सा पेपर पाउडर भी ऐड किया था। तो मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसे कि हम डाल लेते हैं, जितना जिनको पसंद है, और बच्चों के हिसाब से भी अच्छा रहता है, जिस हिसाब से आपके बच्चे खाते हो, कम मिर्च वाला, ज़्यादा मिर्च वाला। तो इस तरह से मैं सारा कुछ सेक लूँगी। तो फ्रेंड्स ये किड्स लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं। आप चाहे तो इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ भी खा सकते हो, ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ब्रेड के कोई भी आइटम है मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसी तरह से मैं सारा कुछ सेक लूँगी और इसका जो है किड्स लंच बॉक्स बनकर तैयार है। मैं इसे पैक कर दूँगी रोशनी के टिफ़िन में, और साथ में थोड़ा सा सॉस रख दूँगी। तो फ्रेंड्स ये मैं टिफ़िन में पैक कर दूंगी थोड़ा सा सॉस रख के, और साथ में वो ब्रेकफास्ट भी इसी को करके जाएगी, अच्छा लगता है उसे भी बहुत ज़्यादा। आप भी बना के दो, अलग अलग स्टफिंग करके, बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इसको भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है एक्चुअली। तो फ्रेंड्स जैसे कि पहले जो कोविड शुरू हो गया था, तो 2 साल तो स्कूल ऑलमोस्ट जैसे कि बंद थे, खुल रहे थे थोड़ा बहुत इसी तरह से। तो मेरे मिस्टर जब स्कूल खुल रहे थे तो इनको छोड़ने चले जाते थे बच्चे को, जब लेकिन स्कूल खुल चुका बिल्कुल, अब परमानेंट खुला है, तो जो वैन वाले को हम लोगों ने अभी नहीं रखा है क्योंकि अभी समर वेकेशन होने वाला है। ये थे जब इनका जॉब अभी साउथ अफ्रीका में जैसे कि लग गया है, तो यहाँ थे तो अपने हिसाब से ये रोशनी को छोड़ने ले आने जाते थे। तो अभी मुझे सारा कुछ करना पड़ता है। अभी जैसे कि मॉर्निंग में मैंने फटाफट इसका टिफ़िन रखा था, घर वगैरह क्लीनिंग किया, उसके बाद नहाने चली गई थी फटाफट से, और फिर मैं निकली हूँ रोशनी को लेकर। और ये जैसे कि मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, और इसे छोड़ने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि 7:15 में असेंबली शुरू हो जाती है, उससे पहले ही पहुंचना होता है स्कूल, तो थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम बहुत ज़्यादा बिजी रहता है मेरा। तो ये स्कूल पहुंचाने के बाद मैं लौटते वक्त थोड़ा सा वेजिटेबल ली थी, तो कुछ सब्जी थी नहीं, तो थोड़ा बहुत मैं आजकल चल जाता है, फिर भी होना तो पड़ता ही है। तो मैंने थोड़ा बहुत सब्जी लिया था फ्रेंड्स, और अपने लिए जो सैलेड का आइटम है जो कि मेरे लिए मस्ट है, वो सारा कुछ लिया है, भिंडी वगैरह, बीट रूट, और साथ में खीरा, उसको मैंने बीच रास्ते में ही जो है सब्जी वगैरह लेकर आ गई हूँ।
तो फ्रेंड्स घर पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले जो है ड्रेस चेंज किया, पूजा की, फिर उसके बाद योगा, नाश्ता किया, कपड़े धो लिए थे मैंने जो वॉशिंग मशीन में, साथ में ड्राई करके मैंने रख दिया था बाल्टी में, बाद में सुखाऊंगी उसको जैसे कि। तो मैं बनाने वाली हूँ, लंच टाइम हो जाता है, तो मैंने थोड़ा सा बेसन लिया एक बोल में और उसमें अजवाइन क्रश करके डाला है, कलौंजी और जीरा ऐड कर लिया था, थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला ऐड करेंगे जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, और साथ में थोड़ा सा जो है आप चाहे तो गर्म मसाला ऐड कर सकते हो। पकौड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें सोडा ऐड करती हूँ, बिल्कुल पिंच ऑफ सोडा, जिससे कि आपके जो पकौड़े होते हैं हल्के बनते हैं। तो आज जैसे कि मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी, तो इसमें मैंने धनिया पत्ता बारीक कट करके डाल लिया है और साथ में आधा ही प्याज, थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे तो अच्छा लगता है। प्याज बहुत लोग नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हो। तो आधा प्याज से मैं छौंकूंगी जैसे कि तड़का लगाऊंगी जो कढ़ी का। कई लोग प्याज नहीं डालते हैं बट इस तरह से भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो बारीक काट के मैंने प्याज डाल लिया है इसमें। तो अब मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इससे पकोड़े जैसी जो कंसिस्टेंसी होती है उस तरह का बना लिया है बैटर, और तेल को मैंने ऑलरेडी गर्म कर लिया था अच्छे से। फिर मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसे अच्छे से कुक कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो एक बार में जितने पैन में आ जाएगा उसे मैं बना लूँगी और इसे मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में, गोल्डन ब्राउन होने तक करेंगे इसको, अच्छे से सेकना है ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाएँ। तो ये पकौड़ी ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, चटनी से, सॉस के साथ ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये जब हम डालेंगे कढ़ी में तो बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स कढ़ी बनाने के लिए जैसे कि मैंने खट्टा दही लिया है, रात में ही फ्रिज में से निकाल के मैं रख देती हूँ बाहर ताकि ये थोड़ा सा खट्टा हो जाए। अभी जैसे कि समर है तो अच्छे बनते हैं, खट्टे जल्दी हो जाते हैं दही को, तो आप पहले से ही निकाल के रख दो ताकि उसका जो खट्टापन है आ जाए, तभी कढ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ। दही को मिक्सी जार में डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया है कलर के लिए, साथ में मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ऐड करूँगी गर्म मसाला। तो मिर्च मसाला जैसे भी हम लोग खाते हैं उस हिसाब से तो ऐड कर ही सकते हो। तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा सा डबल तड़का लगाती हूँ जिससे कि कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, ऐड करेंगे बाद में भी मैं पानी एडजस्ट करती हूँ क्योंकि ये थिकन होने लग जाता है। अब मैंने इसमें बेसन ऐड किया है यानी ग्राम फ्लोर 3 चम्मच के बराबर ऐड किया है। तो कढ़ी मेरे घर में सभी को पसंद है, रोशनी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसे मैं 1 से 2 चर्न कर लूँगी मिक्सी को, बस 2 बार हल्का सा चला लेना है और बिल्कुल अच्छे से मसाले मिक्स हो जाते हैं। तो ये दही, बेसन और मसाले को विस्कर से भी कर सकते हैं, अच्छे से फेंट सकते हैं, बट मैं मिक्सी में इस तरह से चला लेती हूँ तो बिल्कुल भी लम्स नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स कढ़ी तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं बट आज मैं बनाऊंगी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। इसमें मैं डालती हूँ पचफोरन, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है मैंने रिमूव कर दिया है, 1 चम्मच के करीब इसमें ऑयल है, जीरा डाला है, सरसों डाला है, साथ में इसमें फेनल सीड ऐड किया है यानी सौंफ। तो कढ़ी को कई लोग जीरा से भी छोंकते हैं, सरसों दाने से भी छोंकते हैं, या मेरे तरह जो पचफोरन है उस तरह से भी छोंकते हैं। तो जैसे कि मैंने जीरा, सौंफ डाला है, साथ में इसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर लिया है, थोड़ा सा इसमें मेथी दाना भी ऐड किया है, बहुत ज़्यादा मेथी दाना नहीं ऐड करना है, बिल्कुल थोड़े से दाने डाले हैं मैंने। और साथ में इसमें जो कलौंजी होता है जिसे हम मंगरेल भी कहते हैं उसे थोड़ा सा डालेंगे। ये टोटल पचफोरन है जो आपके कढ़ी का टेस्ट बढ़ाता है। तो बेसन की चीज़ कोई भी बनाए तो हींग डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हींग मैंने पिंच ऑफ हींग पहले ही डाल लिया था और एक तरफ मैंने लहसुन को कूट लिया है इस तरह से, जो क्रश करके आप लहसुन डालते बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इसमें जैसे कि मैंने आधा जो प्याज है वो पकौड़ी के लिए डाला था, आधा बचा हुआ था छोटा प्याज उससे मैंने डाल लिया है स्लाइस करके, साथ में करी पत्ता ऐड कर लिया है। तो करी पत्ता आप चाहो फ्लेवर अच्छा लगता है तो डालो, या आपको प्याज पसंद नहीं है तो भी नहीं डालो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सा टेस्ट आता है, लहसुन से भी बहुत अच्छा पकता है ये। और इसे अच्छे से मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। तो अब इसमें जो मैंने कढ़ी का जो बैटर बनाया था उसे डाल लेते हैं। ये घोल आप देख सकते हो इस तरह से पतला है बट हमें और भी इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है जो पानी, क्योंकि ये थिकन होने लग जाता है। तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू स्लो कर दिया है और इसे डाल लिया है। तो कढ़ी हमारे घर में बहुत ज़्यादा पतली नहीं खाते, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी, बट है कि थोड़ा सा क्रीमी जैसा जो लगता है कढ़ी, तभी अच्छी लगती है। बिल्कुल पतली जो कढ़ी है वो चावल में से बह जाए वैसी भी अच्छी नहीं लगती। तो इसे 5 से 7 मिनट मैंने अच्छे से पका लिया है पानी एडजस्ट करते हुए, और इसमें मैंने डाल लिया है जो पकौड़े हैं उसे ऐड कर लेते हैं और 5 से 7 मिनट हम इसे अच्छे से कुक करेंगे जब तक जो कच्चापन है वो ना हट जाए। ये बहुत जल्दी बन जाता है। अब मैं डालूँगी इसमें एक्स्ट्रा तड़का जो
बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर बनाएगा और साथ में फ्रेंड्स इसका लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा मैंने तेल डाला है, उसमें साबुत लाल मिर्च ऐड किया है और जो मेरे पास रेड कश्मीरी लाल मिर्च है वो ऐड करेंगे और इसे स्लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। ये एक स्मोकी फ्लेवर देता है आपके कढ़ी को और भी टेस्ट बढ़ा देगा। तो इसके ऊपर, कढ़ी के ऊपर मैंने डाल लिया है, फ्लेम बंद कर दिया है, धनिया पत्ता ऐड कर लेते हैं और आप खाइए इसे चावल से। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ये टेस्टी लगता है, बिल्कुल चावल में जब आप खाओगे ना तो चावल में बिल्कुल ये अब्जॉर्व कर लेगा, तो जो पतली कढ़ी होती है वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगती मुझे। तो इस तरह से बना कर ट्राई करो फ्रेंड्स, घर वाले आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स एक तरफ मैंने चावल भी ऑलरेडी बना लिया है, साथ में कढ़ी भी बन चुकी है, इसे ढक रख दूंगी और अभी जैसे कि मुझे लेके आना है रोशनी को तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ। तो 12 बजे जैसे कि छुट्टी हो जाती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो वेट करे, धूप में वेट करे। वैसे तो छांव में खड़े हो जाते हैं छुट्टी के बाद, एक है जगह तो वहाँ खड़े हो जाते हैं बच्चे लोग, बट फिर भी मैं टाइमली पहुँच जाती हूँ। 10 मिनट पहले मैं निकलती हूँ, फटाफट से मैं लिफ्ट से नीचे उतरूँगी और अपनी स्कूटी ले कर जाऊँगी और उसको पिक करूँगी। और फ्रेंड्स जैसे कि बीच में ही जो फ़ोन कॉल वीडियो कॉल आ जाता है मिस्टर का जो है, तो वो भी अपना दिखा रहे थे तो अपना थोड़ा सा क्लिप भेजे थे, वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैंने कहा अभी रख दो क्योंकि मैं रोशनी को लेने जा रही हूँ, क्योंकि उनको भी फिक्र है कि इसको अभी घर का सारा काम करना पड़ता है, साथ में रोशनी को भी। और बोलते भी है कि केयरफुली राइड करना, अननेसेसरी स्कूटी लेके मत जाना। तो अननेसेसरी तो खैर नहीं जाऊँगी, बट सब्जी वगैरह लाने के लिए, कुछ चीज़ें लाने के लिए, बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट वगैरह के लिए भी जो जाना पड़ता ही है। तो लौटते वक्त रोशनी ने शूट कर लिया था, बहुत ही समझदार है एक्चुअली रोशनी। तो फ्रेंड्स अभी मैं आई हूँ रोशनी को लेके और जैसे कि तुरंत ही निकल जाती हूँ और अभी बहुत सारे जैसे कि मेरे काम पड़े हैं और मैंने कपड़े ऑलरेडी पहले ही धो लिए थे बट सुखाने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि एक्चुअली होता है ऐसा है कि सोचते हैं बच्चे को पहले ले आया जाए फिर बाद में सारा कुछ काम जो बचा हुआ वो करा जाए। तो अभी मैं जैसे कि कपड़े वगैरह जो है सुखाऊंगी और बर्तन भी बहुत सारे पड़े हैं। चावल तो जैसे कि मैंने बना लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आज कुछ ज़्यादा मुझे नहीं बनाना है। बहुत सारे आप देख सकते हो बर्तन पड़े हैं अभी, तो जो ये लोग खा के जो दो चार प्लेट निकलेंगे इनके कटोरी बर्तन वो होंगे। और जैसे कि फ्रेंड्स और मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं रह चुकी हूँ पहले भी अकेले, तो सारा कुछ करना पड़ता है। अभी धूप से आके हालत ख़राब है एकदम, बहुत तेज एक्चुअली धूप है। आज मैं इवनिंग में जैसे कि नाइट में कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ, आप सिंपल एकदम कढ़ी चावल ही बनाई हूँ, क्योंकि इवनिंग में आज पार्टी है। तो बगल में जो हमारे पड़ोसी आए हैं उनका एक्चुअली होम इनॉग्रेशन है, हाउस उन्होंने फ्लैट जो लिया है उसका जो इनॉग्रेशन है उसके लिए बड़ी सी पार्टी दी है। और जैसे कि बगल में हमारे जो फ्लैट के बगल में एक रिजॉर्ट है वहीं पर पार्टी है, तो डिनर आज वहीं होगा। तो इसलिए आज मैंने सिंपल बिल्कुल कढ़ी चावल बनाया है, तो इसी तरह से अभी मैं सबको दे दूंगी और जो कपड़े वगैरह है सारा कुछ मैं सुखाऊंगी, सब कुछ ऐसे ही अभी थोड़ा पड़ा है उसको क्लीन करूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने पापा के लिए, रोशनी के लिए लगा दिया है प्लेट और साथ में जैसे कि कढ़ी चावल है, थोड़ा सा सैलेड रख दूंगी। आफ्टरनून के अभी 1:15 हो चुके हैं और इनको मैं लंच दे दूंगी, रोशनी को और साथ में दादाजी को, इसके दादाजी को एक्चुअली, तो उनको दे दूंगी। और साथ में जो कपड़े बर्तन सारे पड़े हैं उनको मैं सुखाऊंगी, बर्तन को क्लीन करना है। किचन को क्लीन करने के बाद मैं अपना सैलेड और साथ में दही लूंगी, बस इतना ही मेरा है, क्योंकि आज रात में जैसे कि डिनर पार्टी है तो वहां के जो भी क्लिप्स मैं लूंगी फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके बाद मैं मिलती हूँ इवनिंग टाइम में। तो फ्रेंड्स कुछ मेमोरीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जोहान्सबर्ग का है, साउथ अफ्रीका, जहाँ से मेरे मिस्टर ने जो थोड़े बहुत क्लिप्स भेजे हैं, फिर उन्होंने वर्टिकल में ही शूट किया है, थोड़ा वो जो हॉरिजॉन्टल में शूट किया है, हर बार मैं बोलती बट गलती करते ही है क्योंकि वो खुद तो एक यूट्यूबर है नहीं, तो इस तरह से उनका जो अरेंजमेंट अभी दिया गया है, लेटर ऑन उनका जो परमानेंट अरेंजमेंट अभी करेंगे, अभी जिनको जो हटाया जाएगा तब इनको मेन जो गेस्ट हाउस में रखा जाएगा, तो उस हिसाब से ये खुद से अभी जो फ्लेवर्ड टी बनाएंगे।
तो वैसे तो लॉकडाउन में ये खुद भी सीख चुके थे फ्रेंड्स, कुकिंग भी इडली डोसा सारा कुछ बनाना सीख गए थे। तो अभी वहाँ रहकर एक्चुअली इनको सारा कुछ इनको भी खुद से करना पड़ेगा। वहाँ गेस्ट हाउस में सारा चीज़ जो है आपको मिल रहा है, तो इनको जो भी है लंच से ब्रेकफास्ट अभी सारी चीज़ें। तो ये जो गेस्ट हाउस है उसके आगे का ये जो थोड़ा सा क्लिप आपको दिख रहा है, ये आगे का है। एंड यू कैन सी फ्रेंड्स यहाँ पीकॉक है। तो जो प्लांट एरिया है फ्रेंड्स मेरे मिस्टर का, एक्चुअली वो दूर होता है थोड़े सिटी से। आप जानते हो जो मैकेनिकल वर्क में होते हैं, प्लांट साइट में जिनको जाना पड़ता है, वो हमेशा सिटी से दूर ही रहता है। जिनके मान लीजिए हस्बैंड इंजीनियर वगैरह होते हैं, उनको खुद को पता होगा। तो मेरे मिस्टर भी जैसे कि अभी जो प्लांट एरिया में साइट में है, तो वो जो मेन सिटी से जो जोहान्सबर्ग का, उससे थोड़ा सा दूर ही रहेगा। तो आप देख सकते हो ये मोर घूम रहे हैं। तो ये जैसे कि पेट्रोल पंप वगैरह है और इनका जो साइट एरिया है, तो ये जो भी उनको फूड वगैरह जो सर्व किया गया था, वो सारा कुछ क्लिप एक्चुअली मुझे भेजे थे। तो मैंने भी क्या है थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना, क्योंकि खाने पीने में इनके बहुत ज़्यादा नखरे हैं। तो फ्रेंड्स इवनिंग टाइम में हम आ चुके थे डिनर पार्टी के लिए। तो जो हमारे जो पड़ोसी है जहाँ फ्लैट खाली था, एक्चुअली जो आए थे उन्होंने फ्लैट खरीद लिया था, उस खुशी के मौके पे उन्होंने एक पार्टी दी थी। जो बगल में ही हमारा रेस्टोरेंट है वहीं पर पार्टी है, तो 5 मिनट डिस्टेंस था, वॉकिंग डिस्टेंस में। फैमिली इनवाइटेड थे ऑलरेडी, तो मैं पापा और रोशनी आए थे। तो यहाँ रोशनी एंजॉय करिए, पहले मैंने बोला कि आप लोग ले लो, जब तक मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ फिर मैं लूँगी। तो इस तरह से थोड़े से क्लिप्स है फ्रेंड्स, और ये लोग अच्छे से बहुत अच्छा एक्चुअली अरेंजमेंट किया गया था। और रिजॉर्ट भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें कि फास्ट फूड भी रखा गया था और साथ में साउथ इंडियन फूड, और जैसे कि मैरिज पार्टी होता है उस तरह से एकदम ग्रैंड किया गया था। तो फ्रेंड्स डिनर पार्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, साउथ इंडियन डिशेस से लेके मील लेकर और साथ में डेजर्ट आइसक्रीम वगैरह सारा ही कुछ था। तो अच्छी रही, काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया। डीजे भी था फ्रेंड्स लगातार, सॉन्ग वगैरह सारा कुछ अरेंजमेंट अच्छा खासा था। तो सारा कुछ करते हुए हमें 11 बज चुके थे, 11 बजे हम आए थे अपने घर। और काफ़ी लोग जैसे कि कुछ लोगों को और भी इनवाइटेड थे जो फ्लैट के, तो वो लोग भी पहुंचे थे। वॉकिंग डिस्टेंस है तो सभी लोग पैदल में ही आ जाते हैं ये रिजॉर्ट में। तो इस तरह से आज की जो इवनिंग है बहुत ही अच्छे से हमने एंजॉय किया। रोशनी तो जाते ही फिर सो गई थी, फिर इसके पापा का वीडियो कॉल आया था करीब 11:30 बजे, तो तब मैं उठी हुई थी, बट इनको बात करना था रोशनी से, तो मैंने कहा कि ये तो सो गई है। साउथ अफ्रीका एक्चुअली 3.5 घंटा पीछे चलता है, तो बोले ठीक है आप तुम भी रेस्ट करो, नेक्स्ट मॉर्निंग बात करते हैं।